राजस्थान चुनाव के बीच बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। सीएम की रेस में उनके नाम की खूब चर्चा हो रही है। हाव भाव, चाल ढाल, कपड़े, बोलने का तरीका और नाम के अंत में नाथ, शायद यही वजह है कि महंत बालकनाथ को राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। राजस्थान के फायर ब्रांड नेता हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं। अलवर के आसपास के क्षेत्रों में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। वो बीजेपी के हिंदुत्ववादी चेहरे पर एकदम फिट बैठते दिखाई देते हैं। चुनाव से पहले ही उन्हें राजस्थान में उपाध्यक्ष पद दिया गया, ऐसे में ज्यादातर लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। दरअसल बालकनाथ की तुलना योगी आदित्यनाथ से इसलिए भी की जाती है क्योंकि दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं। अगर आप उनके लुक को देखेंगे तो वो भी योगी आदित्यनाथ से मिलता जुलता सा है, क्योंकि बालकनाथ भी योगी आदित्यनाथ की तरह ही भगवा कपड़ों में नजर आते हैं। अब जरा बाबा बालकनाथ के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। 16 अप्रैल 1984 को राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। पूरा परिवार लंबे समय से जन कल्याण और साधुओं की सेवा में जुटा रहा। 6 साल की उम्र में ही उन्हें परिवार ने आध्यात्म का अध्ययन करने के लिए महंत खेतानाथ के पास भेज दिया था। गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद महंत चांदनाथ के पास उन्हें भेजा गया। यहां पर उनकी बालक प्रवृत्तियों को देखकर महंत चांदनाथ ने उन्हें बालकनाथ कहना शुरू कर दिया। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने अपना उत्तराधिकारी चुना। इस तरह वो मठ के 8वें महंत बन गए। वो हिंदुत्व की बात करते हैं, भाषणों में प्रखरता से इसकी बातें भी रखते हैं। वो जब अपने चुनाव नामांकन या प्रचार में गए तो कई जगहों पर बुलडोजर से भी गए, जिससे माना गया कि उनका योगी आदित्यनाथ से बहुत गहरा रिश्ता है। लोग भी कंपेयर करने लग गए। वैसे दोनों के नाथ संप्रदाय से होने के कारण एक दूसरे के प्रति खास आत्मीयता भी है। नाथ संप्रदाय क्या होता है, क्या है नाथ संप्रदाय का पूरा इतिहास, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल नाथ संप्रदाय में गोरखपीठ को इस संप्रदाय का अध्यक्ष माना जाता है, जो रोहतक की पीठ को उपाध्यक्ष बालकनाथ संप्रदाय के 8वें संत माने जाते हैं। बाबा बालकनाथ साल 2016 में रोहतक के मस्तनाथ मठ के उत्तराधिकारी बने। वो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। जब कुछ सर्वे एजेंसियां चुनाव से पहले राजस्थान में सर्वे कर रही थी, तब बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री पद के दूसरे लोकप्रिय दावेदार बनकर उभरे। पहला इस पद की पसंद अशोक गहलोत थे। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जब उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भरा तो अपने 45,000 रुपए घोषित किए। साथ ही ये भी बताया कि सांसद के वेतन के तौर पर उन्हें जो पैसा मिला वो दिल्ली की पार्लियामेंट में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जमा है। ये राशि है 13,29,558 रुपए। इसी SBI तिजारा में 5,000 रुपए जमा है। बाबा बालकनाथ की पढ़ाई इंटर तक हुई है। तो चलिए अब ये भी जान लीजिए कि क्या है नाथ संप्रदाय और इसका पूरा इतिहास। नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीन और योगियों का संप्रदाय है। वो हठ योग पर आधारित है। इस संप्रदाय के योगियों के दाह संस्कार नहीं होते। दीक्षा लेने के लिए इन्हें अपने कान छिदवाने पड़ते हैं। आपने कई दफे योगी आदित्यनाथ को भी देखा होगा। इस संप्रदाय में भी अवधूत होते हैं। इसकी शुरुआत आदिनाथ शंकर से मानी जाती है। इसका मौजूदा स्वरूप गोरक्षनाथ यानी योगी गोरखनाथ ने दिया, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार कहा जाता है। इस पंथ वालों की योग साधना पांतंजल विधि का विकसित रूप है। देश भर में इस संप्रदाय के कई मठ हैं। आर्थिक तौर पर यह संप्रदाय और इसके मठ बहुत संपन्न हैं। इनके जरिए शिक्षा से लेकर धर्म तक कई काम होते हैं। ये सामाजिक कल्याण से जुड़े कामों में भी जुड़े रहते हैं। गोरखनाथ धाम मठ की पीठ को इस संप्रदाय की अध्यक्ष पीठ मानते हैं, लिहाजा इसका प्रमुख देश भर में नाथ संप्रदाय का अध्यक्ष होता है, जो इस समय योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखनाथ को नेपाल के राजा प्रधान गुरु के रूप में मानते रहे हैं। वहां पर इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठित आश्रम हैं। नेपाल की राजकीय मुद्रा पर भी गोरख का नाम है। इस संप्रदाय के योगियों के मुख्य अंग योगासन, नाड़ी ज्ञान, षट चक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वो जलाए नहीं जाते। ये माना जाता है उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं। इस संप्रदाय में मांस या कोई भी तामसी भोजन निषेध है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परंतु भस्म स्नान का एक विशेष तात्पर्य है। जब ये लोग शरीर में श्वास का प्रवेश रोक देते हैं तो रोम कूपों को भी भस्म से बंद कर देते हैं। प्राणायाम की क्रिया में ये महत्व की युक्ति है। नाथ पंथी भजन गाते हुए घूमते हैं। प्राचीन समय में इस संप्रदाय के संत भिक्षाटन करके जीवन यापन करते थे। वो परंपरा कुछ हद तक अब कायम है। उम्र के अंतिम चरण में इस संप्रदाय के संत किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं।
ये भी जानिए कि पंथ की शुरुआत कैसे हुई। जब तांत्रिक और सिद्धों के चमत्कार के साथ बाकी क्रियाकलाप बदनाम हो गए तो वो मांस, शराब तंत्र और स्त्री संबंधी आचारों के कारण घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे। उनकी यौगिक क्रियाएं मंद पड़ने लगी। तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए उस समय नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें नवनाथ मुख्य कहे जाते हैं। उनके बाद इस संप्रदाय के कई गुरु हुए। दीक्षा कब दी जाती है? नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदि काल से रहा ही नहीं। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण और किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा देने से पहले और बाद में दीक्षा पाने वालों को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।